भारत का यह बहादुर सैनिक जब परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की शहादत के बाद उनका बक्सा लेकर के, बॉक्स लेकर के, कुछ कपड़े लेकर के आता है गांव में। यह गांव है धामुपुर। धामुपुर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत जखनिया विकास खंड और जखनिया तहसील का एक गांव, जो राष्ट्रीय क्षितिज पर आज जाना जाता है। पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को भेदने वाले अब्दुल हमीद का यह गांव है। उसी गांव के नागरिक और सेना में जो भर्ती हुए थे और अब्दुल हमीद साहब के मित्र थे, साथ में ही खेलना कूदना हुआ था, उनके साथ हैं और इन्हीं को वह सामान ले आने का दायित्व मिला था। हम जहाँ खड़े हैं, इस तरफ पार्क है अब्दुल हमीद पार्क, और हमारे बाएं तरफ दुल्लापुर रेलवे स्टेशन है, जहाँ ट्रेन से यह अधिकारियों के नेतृत्व में एक टुकड़ी आती है और बक्सा लेकर के पैदल चल देते हैं लोग। वह समय था, कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। यहाँ पूरा गांव गिराव और जिले के लोग अधिकारी जुटे हुए थे, टेंट लगा हुआ था जब बक्सा खोला जाता है। उस भारत के वीर सैनिक का बॉक्स खोला जाता है जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को मार करके पाकिस्तान को दिया था अमेरिका ने। तो यह कहा था कि इसका प्रयोग किसी देश के खिलाफ युद्ध में नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया था। नमस्कार, जय हिंद। कैसे सलूट करते हैं सर? देखिए, 80 साल उम्र पूरी कर चुके हैं और उनके मित्र थे। कैसे वायरलेस सेट से सूचना मिलती है, कैसे जानते हैं? उस समय आप अमृतसर में थे और वह खेमकरण में थे। दूरी बहुत कम थी। दोनों डटे हुए थे। क्या था सर, वह जो टैंक था उसको ध्वस्त किया ही नहीं जा सकता था, क्या था उसका? वो ऐसा टैंक था कि ऑटोमेटिक हथियार वाला था वो जी। पहला गोला उसका बिना निशाना लिए जो भी उस पर अटैक करेगा वो उधरी बैरल घूम करके फायर कर देगा। अच्छा, जो अटैक करेगा उस पर ऑटोमेटिक, जो भी पहला अटैक करेगा उस पर। वो ऐसा पैटर्न टैंक था कि उधरी उसका बैरल ऑटोमेटिक घूमेगा और उसको ध्वस्त करेगा। कितने लोग उसमें बैठते होंगे? 7 आदमी एक टैंक के अंदर बैठते हैं। एक ड्राइवर, चालक, एक चालक, हाँ। बाकी सब इंजीनियर टाइप रहे, इंजीनियर टाइप है उसमें। अच्छा सर, एक चीज, जैसे अगर उसके रास्ते में कुआं आ गया, झील आ गई, सब पार हो जाएगा। मकान को तोड़ ताड़ बरबर करता हुआ, पेड़ पालू काटता हुआ, मतलब उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं? अवरोध नहीं। उस पैटर्न टैंक के रास्ते में अवरोध पैदा किया था अब्दुल हमीद ने। इनकी आरसीएल गन में कितने लोग सवार होते थे? 3 आदमी, एक चालक, एक लोडर, अच्छा, और एक फायर। अच्छा, एक लोडर जो लोड करता और एक फायर करता। यह किस पद पर थे? हवलदार थे? हवलदार, क्वार्टरमास्टर। क्वार्टरमास्टर, वो है, हवलदार ही है। अच्छा, तो यह क्या था, यह क्या लोडर थे? फायरर थे। हमीद फायरर थे और ड्राइवर था एक, ये एक लोडर था। बैरल कभी भी लड़ाई के मैदान में खाली नहीं होगा, जब होगा तो बोला ही होगा उसके। अच्छा, जब ही एक फायर हुआ दूसरे का लोड, तो लोडर जो है बड़ा टाइट होगा, बहुत तगड़ा होता है। अच्छा, क्योंकि 25 पाउंड का, हाँ, उसमें पाउंड चलता था, हाँ, मतलब 12.5 किलो हुआ जी, शेर हुआ, हाँ, तो वो शेर मन से छटांग चलता था ना पहले, हाँ, तो शेर हुआ, मतलब 15-16 किलो हो गया, मतलब वो लोड करेगा और फायर फायर करेगा। हुआ कैसे सर, 3-3 पैटर्न टैंक कई तोड़ दिए गए, हुआ कैसे है सर? कुछ मोटा मोटा आपको, जैसे आप सेना में रहे हैं, सब कैसे जानकारी क्या हुई? ऐसा था कि जिस समय कमांडर बोला कि मेरे वतन के बहादुर, कैसे कमांडर बोलता था? जैसे मान लीजिए आप कमांडर हो और ललकार करके बोल रहा है तो कैसे बोलेगा? मेरे वतन के बहादुरों, दुश्मन जो है आगे नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम लोग थोड़ा धीरे धीरे पीछे आओ। अगर एडवांस बोलना है, मेरे वतन के, वतन के बहादुरों कहना ही है, मेरे वतन के बहादुरों आगे बढ़ो, फोंक दो दुश्मन को, ललकार दो दुश्मन को, यही है।
ऐसे ही मतलब जैसे उस समय डर नहीं लगता है सीमा पर, कोई नहीं याद आता है, न माई न बाप न घोड़ा न कुछ, भूख पता लगती है, भूख भी नहीं लगेगी कोई माई बाप और पत्नी और कुछ नहीं, कुछ, कुछ नहीं, केवल देव से याद आएगा। अगर इधर चिंता करोगे तो गोली खाओगे सर आपको भी गोली लगी है। अभी हम दोस्तों बने रहिए, बड़ा मजा आएगा। और उस बात पर भी हम आते हैं कि कैसे अलोक लेकर के आए, और यहाँ से कितना किलोमीटर आपका दुल्लापुर रेलवे स्टेशन है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर सर, पहले वो स्थान आप दिखाइए जहाँ आपको गोली लगी है। ये लगी है तो सर, यह कैसे लगी? ये जब हम लोग लेटे हुए थे, अच्छा, बंदूक लेकर के, बंदूक ही थी हम लोग पास, 3-3। हाँ, तो वही बंदूक थी, बंदूक को जब हम लोग लेट करके एम दुश्मन को लेना है, तब तक वो गोली जो है दूसरा पाकिस्तानी हमारे गोली चलाया, लेकिन अफसोस कि हम नहीं मिले, हमारी वो डायरेक्ट नहीं लगी। अच्छा, बंदूक पर गोली उसकी आई है और वहाँ से एक छिटक करके नहीं तो फिर तो ऐसे जाती और पीछे वो भोका ऐसे कर देती है। बहुत देखा होगा आपने ना बहुत लोगों को ऐसे। तो दोस्तों यह रहा, आप वहाँ से चले। अच्छा चलिए, उसके पहले हम बताते हैं कि क्या गुजरी थी उस समय रसूलन बीबी पर, जो अब्दुल हमीद की पत्नी थी, और लोग जुटे थे किस तरह से इनको यह इनके साथ पेश आए और क्या हुआ। सर यह जो हम देख रहे हैं यह तो कम देखने को मिलता है, क्या है यह? ये 65 की लड़ाई का है, या 65 की लड़ाई, लड़ाई का स्टार हमेशा मिलेगा। अच्छा, और ये 71 बांग्लादेश का है। हाँ जी, और ये भी 71 का पश्चिमी पाकिस्तान का। अच्छा, या तीन लड़ाई का है, मतलब इस तरह से तो ये दोनों तो पैराशूट से कूदे थे हम लोग। हाँ, और ये जो है मैदान में लड़े। अच्छा, ये मैदान में लड़े आर पार। और यह क्या है सर? ये तो हमारा सर्विस का मैदान है। अच्छा सर, जैसे हम लेह गए, लेह का ये है, ये लेह का है, और ये आगरा का है, अशोक स्तंभ जी, ये सब अशोक स्तंभ ये जितने हैं ये तो सब मेरा है। अच्छा, यह सब भारत सरकार का वो लगा हुआ है, अशोक स्तंभ राष्ट्रपति का दिया हुआ होता है। हाँ, जी अच्छा, महामहिम राष्ट्रपति देते हैं। चलिए अब हम बताते हैं सर कि जब यह सूचना हुई कैसे पता लगा कि अब अब्दुल हमीद नहीं रहे। हाँ, 4:30। अच्छा अच्छा, एक चीज और, अब्दुल हमीद जी से बातचीत हुई थी चूंकि आप जूनियर थे उनके, क्या उन्होंने अंतिम संदेश आपको दिया था? अब्दुल हमीद अम्बाला में थे जी, और उनको मालूम है कि चंडीगढ़ से गणेश आ रहा है। हाँ, उनको मालूम था कि आ रहा है। हाँ, क्योंकि टेलीग्राम मिला था, सब साथी भागे थे। अच्छा, तो बोला कि आ रहा है। अच्छा, आप घर से निकले थे, टेलीग्राम आया था? टेलीग्राम आया। अच्छा, तो ट्रेन पकड़ कर गए ना, हमीद भी गए, हम भी गए। हाँ, तो हम चंडीगढ़ चले गए, हमीद अम्बाला रुक गए, अम्बाला पहले पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम चंडीगढ़ से चले जी, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां बहुत ज़्यादा थी, कुछ गाड़ियां उनको देना था जी। तो जब गए तो हमीद जो है, उस समय मोबाइल तो था नहीं, ऐसे ही फोन था सरकारी। हाँ, तो सरकारी फोन से उसने बोला कि गणेश कहीं भी आओ तो आ जाओ 12:30 बजे रात को। हाँ, तो अब हमारी भी कंपनी है। हाँ, उनकी भी कंपनी है। हाँ, ग्रेनेडियर वाले थे वो, बिल्कुल तैनात मिले हम लोग पहुंचे तो। अच्छा, तो हम लोगों का मिलाप हुआ। हाँ, हमीद ने यही वर्डिंग बोला हमको कि गणेश जितना ट्रेनिंग में सीखे हो, हाँ, उसको ध्यान में रखकर अगर लड़ोगे तब तो धामूपुर जाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा था गणेश जितना ट्रेनिंग में सीखे हो सारा योगदान कर देना, तभी धामूपुर हम लोग जाएंगे, अन्यथा लड़ाई में मारे जाएंगे, यही कहा था उन्होंने। यह शब्द याद है और सोचते हुए आंखें छल छला जाती है। अपने अपने सेना के, अपने गांव के, अपनी माटी के, अपने अखाड़े के, अपने फील्ड के, अपने दौड़ वाले और अपने खाने पीने के। चलिए साहब, एक छोटी बात मैं कर रहा हूँ, आप जैसे हिंदू समाज से आते थे, वह मुस्लिम थे, खाई और भी बढ़ी हुई थी, जैसे वो पहले छुआछूत खाना पीना, आप लोग कैसे पेश आते? हम लोग वैसे ही, कैसे सब एक साथ। हाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ एक प्लेटफार्म पर रहने वाले। हाँ, खाना पीना कैसे, खाना पीना कैसे खाते थे? एक ही थाली में भी हम लोग जरूरत पड़ेगी तो खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब रोटी उसमें से उठाया, सब्जी उसमें से खा लिया। यह था,
यह है भैया सैनिक का जीवन। और अब चलिए हम वहां चलते हैं जिसका इंतजार आपको था, दुल्लापुर। आप लोग उतर गए दुल्लापुर? उतर गए हाँ। इसके बाद वहां से जो है पैदल ही चले। अच्छा, कोई रास्ता जनरेटर का हॉलदार था, रास्ता था नहीं हाँ। वही कच्चे रास्ते थे सर हाँ। तो कच्चे रास्ते से हम लोग पकड़ कर सीधे वैसे ही आए हाँ। तो हवलदार को बोला, हवलदार जी चाय पी लिया जाए हमारे यहाँ, हमारा घर पहले पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ पर चाय पिए। अच्छा, क्योंकि हम लोग चाय के ज्यादा। अच्छा, आपके घर से और उनके घर से कितनी मीटर की, कई घर की दूरी? हमीद का घर यहाँ है हाँ। ये यहीं पर हमारा हाँ। इसी के सीध में आगे है तो मतलब 100-200 मीटर की। बस 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 200 मीटर भी नहीं, कमी है हाँ, हाँ, हाँ। इसके बाद में चाय पिए जी, हम लोग गए तो इंतजार था ही, फोन आ गया था पीसीओ से, मतलब सरकारी फोन आ गया हाँ, सरकारी फोन। सब अलर्ट थे, जब हम लोग पहुंचे तो खुद ही अफसर लोग ऐसे तैनात थे जी। जा करके बक्सा रखा जी और उनका सामान रखा जी। तो बक्से में उनके कपड़े थे और एक जो है 23,000 का चेक था। यह भारत सरकार का था? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का था ये हाँ। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो 22,000 रुपया और 10 बीघे जमीन। 10 बीघे जमीन और 22,000 ये इतना ही नियम था भाई लिखा हुआ, मतलब 45,000 रुपये कुल मिला मिला है। तो 45,000 उस समय तो बहुत रहा होगा, 45 करोड़ के बराबर है आज का। हाँ हाँ, बहुत था। तो आप लोग पहुँचे यहाँ? पहुँचे और पूरी भीड़ थी हाँ, जी। पहुँचने के बाद में अब सब मालूम हो गए, रसूलन बेगम पहचानती थी हम लोगों की, हमीद की औरत जी। जब देखी और सामान रखे तो लगी रोने जी, क्या क्या रोने लगी, कुछ बोल के हाँ हाँ, ऐसे रोने लगी कि पियावा हो पियावा, बचपन के टुवारा करावला हो पियावा पियावा हो पियावा हाँ। पियावा यानी पति को संबोधित करके ऐसे। तो आप लोगों को तो कहा गया था कि आप लोग रोएंगे नहीं और ऐसे, अब क्या कहे, लेकिन गांव की आदत, जब सब रोने लगे तो हम भी तो इसी गांव के हैं, हम बेशक हवलदार ना रोए लेकिन हम भाई तो मैं आ गई रोने लगे। और जनरल साहब पूछा, जवान कोई दिक्कत कोई परेशानी रास्ते में? बोला नहीं सर। अब उसके आगे क्या कहना है? बोला नहीं, अगर कुछ भी कहना है तो बोलो, सारे यहीं पर हैं। चेक जो है निकाला गया और पकड़ा दिया गया SBI मैनेजर को, क्योंकि वो भी हाजिर था इस समय। उस समय तो इधर बैंक वैंक नहीं रहे होंगे, गाजीपुर, वो भी छोटा सा SBI गाजीपुर का कचहरी के पास। यह रहा दोस्तों, और यह है देखिए पाल साहब का घर है, इनके परिवार के लोग हैं, एक छोटा सा आशियाना है, फूल पत्ती है, तुलसी यहाँ है, इधर धान के खेत हैं, गाय है और बकरी भी चराते हैं आप बकरियों से बड़ा प्रेम है। अच्छा, राजस्थान से मंगाए हैं, तो बकरी का दूध तो बड़ा पौष्टिक होता है सर, डेंगू उंगू हो रहा है तो वही लोग पी रहे हैं, तो आप भी लेते हैं उसको? ना या भाई, तो दूध ना देती। अच्छा, अभी दूध नहीं देती, दूध देगी तो उसको थोड़ा सा लेना है ना, प्रयोग होगा। 80 साल उम्र पार कर चुके हैं और पूरी जीवंतता है और यह शानदार मूछें। तो सेना में थे तब भी मूछें थी? सेना। अच्छा, अनाउंस मिलता था। अच्छा, कितना मिलता था? 3 रुपये। 3 रुपये महीने का मिलता था? 3 रुपये महीने। अच्छा, 3 रुपये महीने का मूछों के रख रखाव का मिलता था? अरे तो वो उस समय बड़ी थी ना। अच्छा, बहुत बड़ी थी हाँ। ड्रेसिंग करके हमेशा रखना पड़ता। अच्छा हाँ यह रहा दोस्तों, और आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे हम बहादुर सैनिक के साथ हैं जिन्होंने, जिनको गोली भी लगी, हजारों बार इन्होंने पैराशूट से कूद कर युद्ध के मैदान में भी प्रतिभाग किया, और उस माटी के सपूत हैं और अभी भी हैं। आपके साथ के तो बहुत लोग चले गए होंगे। चले, बहुत लोग चले गए हैं। आपको 100 साल कम से कम रहना है कम से कम रहना है, बड़ा सम्मिलित जीवन है। अभी हम बहुत कुछ बातचीत किए हैं तो बड़ा जीवन है। टहलते कितना है सर? हम टहल लेते, टहलते नहीं है, दोनों घुटने का ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा, दिल्ली में करवाया हाँ, एक घुटना भग रहा था। अच्छा अच्छा, और पैराशूट से जो मतलब जैसे जर्क ज़्यादा लगता है ना घुटने। अच्छा, जर्क तो बिगड़ रहा था, तो इसलिए दिल्ली में जाकर ऑपरेशन करवा लिया हाँ, और अभी ठीक हाँ, अब ठीक है। तो दोस्तों, इस बहादुर सैनिक को सैल्यूट, और मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से श्री गणेश पाल साहब के साथ, जो राष्ट्रीय क्षितिज पर जो विशेषांक है
यह परमवीर चक्र तो सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे है, बड़ा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो उस पुरस्कार के जो विजेता है जिन्होंने उस टैंक को भेदा जो अमेरिका का ऐसा उसको कैसे तोड़ दिया, वो कहाँ मारा, चेन पर मारा चेन ही, क्योंकि चेन पर ज्यादा हॉट टेम्पर नहीं होता। अच्छा, हॉट टेम्पर अगर टूट जाएगा इसीलिए चेन जो है कम टेम्पर वाली थी और गोला हमारा बेंगलोर वाला 25 पाउंड का चला और चेन टूट गई, चक्के तितर बितर हो गए, उसके आदमी असहाय हो गए साहब। अच्छा, उनके आदमियों को कैसे मारा एक अंतिम बार, उनके आदमी बच गए कि मारे गए? उनके आदमी जो साथ बैठे थे वो तो सुरक्षित है, उस पर वो तो बचे हैं। अच्छा, वो तो बंद कर लिए हैं, बचे हैं। हाँ, चाहे खाना मिले या ना मिले वो अलग बात है, उस पर कोई गोला वाला। लेकिन जो तीसरा टैंक तोड़ा है हाँ, वो तो सातों के साथों खत्म हुआ। कैसे खत्म? ग्रेनेड से। अच्छा, ग्रेनेड असर कैसे करेगा उस पर, तो असर ही नहीं करेगा। हमीद जो है टैंक के पीछे से चढ़ा, क्योंकि हमारा टैंक और पाकिस्तान का टैंक दोनों आपस में टक्कर मार रहे। अच्छा, तो जब टक्कर मार रहे तो हमारा टैंक तो कमजोर था, हमारा टैंक कमजोर था उसके टैंक। हाँ, मेट्रोलॉजी कमजोर नहीं थी। हाँ, मेट्रोलॉजी इतना कहाँ का हमारे कहीं पर, अरे हमारे इंजीनियर तो अमेरिका में ही है। हाँ, तो मेट्रोलॉजी 9 इंच की मोटी चादर भी है, वो भी है, जितना आसानी से नहीं टूटेगी। लेकिन उसके में भाई कुछ बैरल में खासियत थी, हम 4-6 अगर फायर कर देंगे तो हमारा बैरल हो सकता है फट जाए, लेकिन उनका नहीं फटेगा। उसको कैसे, उनको अच्छा, कैसे तो हमीद ने जो है पीछे से चढ़ा। हाँ, पाकिस्तान के टैंक से। हाँ, क्योंकि तो निशान बना रहता है। हाँ, हमारा गोल सर्कल है और पाकिस्तान का आधा चांद है, तो जब आधा चांद देखा तो पीछे से चढ़ गया। अच्छा, और जा करके ऐसे हुड को खोला। अच्छा, क्योंकि ऊपर हुड होता है। हाँ, हाँ, क्योंकि आदमी को गलती से निकलने और चलने में दरवाजा नहीं होता टैंक में। हाँ, दरवाजा। हाँ, हाँ, वो हुड को खोला और हाँ, उसमें ग्रेनेड जो है यहाँ से निकाला और 3 सेकंड अपने हाथ में रखा, चौथे में पलट दिया ताकि वो गिरते गिरते फटेगा, नहीं तो कोई भी चला करेगा पकड़ लेगा। हाँ, पकड़ लेगा। 4 सेकंड का समय होता है, 3 सेकंड अपने आप रखा, चौथा रख दिया, बड़बड़ा कर जैसे मकई का लावा फूटा वो तरह सब खत्म, खून की धाय बढ़ गए, हमें उतर कर जाने लगा। ड्राइवर जो है देखा कि बस हमीद आ रहे हैं, जीप बगल में ही खड़ी थी, कोई दूर नहीं थी जी, और उसने क्या काम कर दिया कि ड्राइवर हाँ सॉरी, तब तक तीसरा चौथा का टैंक वाला देख लिया हमीद को, कह रहे इसने तो हमारे टैंक को बर्बाद करके जा रहा है, बस मारा गोला और हमीद का बायां हाथ और दाहिनी टांग, क्योंकि दौड़ते हुए जाएगा ना, तो जब गोला ऐसे आया तो टंगियों ले लिए, हाथ को ले लिए, गोला आगे जब वही गिर गया, तो जब हमीद गिर गया तो उसने सफ़ेद झंडा टांग दिया पहले, और फिर हमीद को पकड़ा एक बाजू और इस पर लादा और गाड़ी में डाल दिया, अमृतसर हॉस्पिटल ले जा रहा है। लेकिन जहाँ टैंकों की मार हो रही है वो आदमी जिंदा कभी बचेगा? जनरल साहब लोग दिया बोला कर क्यों ले जा रहे हैं, क्या हुआ? तो जनरल साहब ने बोला कि गाड़ी को ड्राइवर को बुलाओ, ड्राइवर आया बोला कि सर हमीद ने 3 पेट्रोल टैंक तोड़ दिया, उसका भी कलेजा बढ़ गया। ये हुआ कि सर 3 टैंक तोड़ गया, विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था, इसके पहले किसी को विश्वास नहीं था कि पेट्रोल टैंक को कोई हथियार तोड़ेगा, लेकिन जब टूट गया तो सबका मनोबल ऊंचा, तब सब अब अधिक एडवांस में चलेंगे, ये बात सोच लीजिए। जैसे कुएं का उदाहरण नहीं दिया कि अगर हमारे से कमजोर आप हैं कुआं, तो आप जाएंगे देखेंगे और फिर कुएं को कूदेंगे, और हम आपसे तगड़े हैं तो हम कुआं को देखने नहीं जाएंगे, मैं सोचूंगा ना जब आप कूद गए कमजोर। हाँ, तो बढ़ो, ठीक है, तो वही बात है। तो इसके बाद में 75 टैंकों को मेजर आसाराम त्यागी ने, मेरठ का रहने वाला मेजर, उसकी एक कंपनी कठभुज में थी, एक जो है दूसरी जगह थी, उसने घेरा डरवा लिया, बोला 48 RCL गनों से घेरवा दिया। और तब अमेरिका डिड़ियाने लगा, शास्त्री को बोला कि तुम लड़ाई बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ देखूँगा। शास्त्री ने बोला ना
तुम ही लोग बोलते थे कि ना धोती वाली सरकार है, क्या करेगी, 3 दिन और लड़ाई चलेगी, 10 को ख़त्म होना था लड़ाई, अमेरिका बोलता था ख़त्म करो लड़ाई, उसने बोला 3 दिन और लड़ाई। तब तक बंगलोर फैक्ट्री मैनेजर का लेटर आ गया कि बहादुरों लड़ते रहो, गोला को फूंकते रहो, इनको नशा नमूज कर दो, हम गोले बनाते रहेंगे। तो दोस्तों यह रहे सूबेदार मेजर साहब, और इनसे हम वार्ता की और अच्छा लगा, हम भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं और इनकी बहादुरी को सलूट करता हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से, आज धामूपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। जय हिंद सर, सादर नमस्कार।